तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ लेसन फिनिश हुआ है और फिनिश होते ही हम शब्दार्थ लिखेंगे, मुहावरे लिखेंगे, कहावत लिखेंगे। इसके बाद एमसीक्यू के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला एमसीक्यू है, प्रश्न है, सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में पूरी की थी? कौन सी क्षेत्र, कौन सा फील्ड? यस, कौन सा? अ कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान। कौन सा क्षेत्र? वेरी गुड, कंप्यूटर विज्ञान में इन्होंने अपना नाम आगे बढ़ाया था। और किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे? कौन सी कंपनी की? टेलको, टाटा की कंपनी थी। Yes, तो ऑप्शन होगा वह भी अ ही है, यह भी अ ही है। कौन सा? टेलको। कौन सा? टेलको कंपनी। वेरी गुड। फिर थर्ड वन, विज्ञापन में किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? हाँ, भेदभाव था। कौन, किसके बीच के भेदभाव? महिला और पुरुष के बीच का भेदभाव। तो ब ऑप्शन होगा आपका। कौन सा होगा? ब। क्या है? महिला पुरुष, महिला पुरुष का भेदभाव स्पष्ट होता दिखाई दे रहा था। इसके बाद है, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहां बुलाया गया? कौन से प्लेस पर बुलाया गया था? यस, ब। कौन सा? ब कौन सा है? पूना। कौन सा है? पूना। कौन सा है? पूना प्लेस। वेरी गुड, पूना शहर। वेरी गुड, यस। इसके बाद फोर्थ वन, कि महिला लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? किसने दिया? लास्ट में लिखा ही है, लास्ट पेज 20 पर लिखा है, देखो सेकेंड पैराग्राफ में। यस यस, कौन सा? एफएम रेडियो, यानी कि क, सी का मतलब सी, एफएम रेडियो द्वारा उसे वुमन ऑफ द ईयर 2002 का अवार्ड दिया गया था। इसके बाद है, एक एक वाक्य में उत्तर। टेलको कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? किस पद के लिए था? कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर। पूरे वाक्य में आप उत्तर लिखेंगे कि टेलको कंपनी का विज्ञापन कंप्यूटर इंजीनियर के पद के लिए था, और वो भी मेहनती, हाँ मेहनती परिश्रमी। कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र में इंजीनियर की जरूरत थी, वो भी मेहनती। फिर विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? स्नातकोत्तर उसे शिष्यवृत्ति मिली थी। वह रिसर्च क्षेत्र में, कंप्यूटर विज्ञान के रिसर्च क्षेत्र में वह आगे बढ़ना चाहती थी पढ़ाई के लिए। फिर थर्ड वन, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? सुधा के मन में क्या विचार आए कि ये लोग हिंदुस्तान में पुरुष और महिला के बीच भेदभाव बना कर ये अन्याय कर रहे हैं। फिर फोर्थ वन, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? तो सुधा से कहा कि ये शुरुआत आपसे की जाती है, आपको यह पद के लिए नियुक्त किया जाता है, चूज किया जाता है, राइट। इसके बाद फिफ्थ वन, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की थी? सुधा कुलकर्णी ने उसी क्षेत्र में, उसी टेलको कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर नारायण मूर्ति से शादी की। फिर सिक्स्थ वन, इंफोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? कंप्यूटर, हर पाठशाला में कंप्यूटर दिए गए, कंप्यूटर क्षेत्र के लिए। इसके बाद लाइब्रेरी, इसके बाद क्या? लाइब्रेरी, लाइब्रेरियों का यानी कि पुस्तकालय मुफ्त में और हर क्षेत्र में कंप्यूटर दिए गए। फिर सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी?
हमारा मार्ग कठिन जरूर है, राइट, चलना जरूरी है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, चलना जरूरी है। तो इसके बाद हम दो तीन वाक्य के उत्तर आगे बढ़ रहे हैं। टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी? टेल्को कंपनी के विज्ञापन में एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी, यानी कि सुधा मूर्ति, जब विज्ञान क्षेत्र का जो क्लास था वो खत्म हो गया और वो हॉस्टल की ओर जा रही थी, तो उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ती है और उसमें उसने देखा, ठीक है, लेकिन छोटे अक्षरों में छपा हुआ था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। इस पर वो सोच कर रुक जाती है। चौंकाने वाली बात उसके लिए ये थी, इसीलिए वो रुक गए। सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? ठीक तरह से विज्ञापन उसने पढ़ा, बार बार पढ़ा, दो तीन बार पढ़ा और नोट करके वो अपने कमरे में गई और उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो टेल्को कंपनी के मुख्य अधीक्षक को, यानी कि प्रमुख या डायरेक्टर जनरल जो भी, उससे वो जरूर खत लिखेगी। और इस बात पर वो इसीलिए नाराज है कि हिंदुस्तान में टेल्को जितनी बड़ी कंपनी भी स्त्री पुरुष के बीच ये अन्याय कर रही है। ऐसा करेंगे तो स्त्री जिंदगी में आपकी कंपनी में कभी भी वो काम नहीं कर पाएगी, ये मौका पाएगी ही नहीं, इस प्रकार वो लिखेगी, ऐसा उसने सोच रखा था, राइट। इसके बाद सुधा और नारायण मूर्ति ने इंफोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? लाइब्रेरीज, पुस्तकालय खोले, हर छोटी सी छोटी पाठशालाओं से लेकर महाविद्यालयों तक कंप्यूटर्स दान दिए, कंप्यूटर्स का उन्होंने हेल्प किया। इसके बाद बड़ी बड़ी अस्पताल, कैंसर जैसी अस्पताल से लेकर उड़ीसा, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश के कई जिलों में उन्होंने तरह तरह प्रकार के अस्पतालों का ये शुरुआत कर, यानी कि निर्माण करवाया और बड़े बड़े विद्यालयों का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति, ये दोनों के द्वारा ढेर सारे, यानी कि इंफोसिस फाउंडेशन द्वारा ढेर सारे काम किए, राइट। इसके बाद है कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किस पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो ये महिला पुरस्कार एफएम रेडियो द्वारा आप लोग जानते हैं कि वुमन ऑफ द ईयर दिया था। इसके बाद पेज नंबर 20 पर लास्ट टू सेकंड पैराग्राफ, राइट, फिर उन्होंने मिलेनियम महिला ऑफ द ईयर, ओजस्विनी पुरस्कार और कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार और राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया था। बाइज्जत है, उनकी इज्जत और चार चांद लग गए उनकी इज्जत में, उनके नाम के आगे, यानी कि प्रगति दिन प्रतिदिन बढ़ती है। फिर लॉन्ग आंसर से, साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे दिया? उन्होंने जब लेटर लिखा तो 10वें दिन वापस प्रत्युत्तर आया था और उसने यह लिखा था कि आपको साक्षात्कार के लिए किस शहर में बुलाया जाता है? पूना शहर में बुलाया जाता है, ऐसा उसने लिखा था। फिर पूना वो गई, दिल बहुत ही दिल से आंसर देती रही, अच्छे विश्वास के साथ, हर तकनीकी सवाल का जवाब तकनीकी के जवाब से ही देती थी, बहुत बढ़िया आंसर दिए। और इसीलिए अपनी ये जो बहुत मेघावी बुद्धि का प्रदर्शन किया उसने, यानी कि नॉलेज जो था, बेहतरीन नॉलेज का उसने प्रदर्शन किया। फिर वो इस प्रकार आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे, फिर सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते? सुधा के स्थान पर अगर आप होते तो हम भी यही सवाल उठाते कि स्त्रियों को आप लोग यानी कि समान दर्जा दे रहे हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अन्याय, ऐसा करने से हमारे देश का नाम बदनाम होता है, समाज का नाम बदनाम होता है। स्त्रियों की बुद्धि आंकी नहीं गई है अब तक, और स्त्रियां तो आज पुरुष से अधिक आगे, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में स्त्रियों का नाम और स्त्रियों ने नाम रोशन किया, यहां तक मार्स और मून तक, चंद्र तक पहुंच गई स्त्रियां, और प्रधानमंत्री से लेकर ढेर सारे बहुत बढ़िया आईएएस और राष्ट्र प्रमुख और बहुत सारे फील्ड्स में उन्होंने नाम रोशन किया। इसलिए स्त्रियों को हम किसी भी तरह से नीचा नहीं गिन सकते, यानी कि उसे नीचा नहीं दिखा सकते,
और हम अगर सुधा मूर्ति की जगह होते तो हम भी वही करते और हम भी आवाज उठाते अन्याय के खिलाफ, ये असमानता के खिलाफ, लिंग भेद के खिलाफ हम आवाज उठाते। इस प्रकार आप लोग लिखेंगे। फिर सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति थी? सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति थी, एक ओजस्वी नारी, एक प्रेरणादायी नारी, पूरे हिंदुस्तानी नारियों के लिए उदाहरण रूप थी, मिसाल थी, क्योंकि उन्होंने हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, कंप्यूटर विज्ञान जैसे फील्ड में अकेली नारी, कई पुरुष विद्यार्थियों के बीच अकेली नारी, यानी कि अकेली विद्यार्थिनी के रूप में वो पढ़ रही थी, फिर भी वो बेहतरीन थी, कक्षा में फर्स्ट आती थी और बहुत ही बेहतरीन प्रगति की उसने, और दिन प्रतिदिन ये उसने मेहनत के जरिए, परिश्रम के जरिए, और परिश्रम के जरिए उन्होंने ढेर सारी प्रगति की। इसीलिए आज महिलाओं के लिए वो बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अधिक आज कई नारियों ने उनमें जब बहुत ही बढ़िया जन्म लिए और बढ़िया तरीके से उन्होंने काम किए, अच्छी तरह से, ढेर सारी तरह से उन्होंने ये हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इस तरह हम इसमें अच्छी तरह से लिखेंगे। इसके बाद हम पर्यायवाची शब्दों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परिसर का मतलब है आंगन, कंपाउंड जिसे आप लोग कहते हैं ना, वो आंगन है। और शुरुआत का मतलब है प्रारंभ। शुरुआत का मतलब क्या है? प्रारंभ। देखिए ये पर्यायवाची शब्द है और पर्यायवाची शब्दों में अभी लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये परिसर का मतलब है आंगन, आंगन, राइट। और फिर शुरुआत का मतलब है प्रारंभ। शुरुआत का मतलब क्या है? प्रारंभ। इसके बाद है मेहनत, यानी कि परिश्रम, परिश्रम। इसके बाद हम आगे देख रहे हैं सुखा यानी कि अकाल, सुखा यानी कि अकाल, यानी कि दुष्काल। बारिश नहीं होती तब भी दुष्काल, ज्यादा बारिश हो तो हरा दुष्काल, यानी कि इस प्रकार नुकसान होता ही है, राइट। इसके बाद है अनुसंधान, मतलब खोज, आविष्कार, खोज आविष्कार भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद है पुरस्कार यानी कि इनाम, पुरस्कार का मतलब क्या है? इनाम। इस प्रकार ये समानार्थी शब्द हुए। इसके बाद है शब्दों के विलंब शब्द दीजिए। विलंब शब्द में आवश्यक, अनावश्यक, अनावश्यक अपोजिट है ये, राइट। अपोजिट की ये साइन है, मैंने क्रॉस किया, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत, ये अपोजिट है। इसके पश्चात सौभाग्य यानी कि दुर्भाग्य, 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 राइट। इसके बाद उपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित। इसके बाद नेक्स्ट है सज्जन, तो आप लोग जानते हैं, राइट, दुर्जन, राइट। इसके बाद अपना, तो जानते हैं हर कोई क्या बन जाता है, अपना पराया बन जाता है। इसके बाद उच्च, तो इसके बाद क्या होगा? निम्न, क्या होगा उसका अपोजिट? निम्न। और इसके बाद अंत में क्या है? अधिकतम। तो याद रहे न्यूनतम, न्यून मतलब थोड़ा, न्यूनतम, न्यूनतम याद रहे, निम्न मतलब नीचा। इस प्रकार यहां आपके अपोजिट मीनिंग्स यहां खत्म होते हैं। भाववाचक संज्ञा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। किसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं? भाववाचक संज्ञा की ओर। तो ध्यान दीजिए बच्चों, तो भाववाचक संज्ञा अधिक, तो अधिकता, अधिकता, क्योंकि भाव का बोध कराने वाले शब्दों को, यानी कि संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कही जाती है, राइट। वो याद रहे, सिर्फ हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। फिर सफल, तो सफलता, सफल, तो ता प्रत्यय लगा है दोनों में, इसमें भी ता प्रत्यय लगा है, इसमें भी ता प्रत्यय लगा है। फिर आवश्यक, और आवश्यक में भी ता प्रत्यय, आवश्यकता, क्या? आवश्यकता। और इसके पश्चात असमान, असमानता,
असमानता, डिफरेंट रंग भेद की समस्या वाला प्रश्न है। और इसके बाद हम देख रहे हैं पुरुष पौरुषत्व, क्या पौरुषत्व, पौरुषत्व ये मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, पौरुषत्व, क्या पौरुषत्व, ठीक से ध्यान दीजिए, ये दिखाई नहीं दे रहा है, पौरुषत्व लिखा है। इसके बाद स्त्री, तो स्त्रीत्व क्या है, स्त्रीत्व तो आधा है, स्त्री के बाद तो आधा और वह जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फुलाना समाना, अत्यंत प्रसन्न हो जाना, फिर वाक्य में आप प्रयोग करेंगे कि मुझे मेरा रिजल्ट मिलते ही मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया, ऐसा नहीं लिखेंगे, पर क्या लिखेंगे, मैं फूला नहीं समाया। फिर बात न बचना, हजम न होना, बात न मानना। सुधा मूर्ति ने ढेर सारा विज्ञान क्षेत्र में उन्होंने ढेर सारा अभ्यास किया था, पहले दफा तो मेरे मन में ये बात पची नहीं थी, इस प्रकार लिखेंगे। फिर निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए, दिन दुनी रात चौगुनी, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। और इस प्रकार आपका ये पाठ संपूर्ण यहाँ खत्म हो रहा है। प्रश्न के उत्तर सुंदर अक्षरों से लिखेंगे और गलती नहीं करेंगे। थैंक यू।